सुनील शेट्टी काफी समय से हिंदी फिल्मों से दूर हैं और अब खबर है कि वो धमाकेदार वापसी कर सकते हैं एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के साथ। रानी स्क्रूवाला के प्रोडक्शन हाउस RSVP फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म द इमॉर्टल अश्वथामा के लिए उरी डायरेक्टर आदित्य थर्ड ने सुनील शेट्टी को एक बेहद अहम भूमिका के लिए अप्रोच किया है। विकी कौशल और सारा अली खान स्टार इस फिल्म में सुनील शेट्टी को भी मुख्य भूमिका ऑफर की गई है और सुनील शेट्टी को फिल्म की स्क्रिप्ट और अपना किरदार दोनों ही बहुत पसंद आ रहा है। सुनील शेट्टी जल्द ही इस ऑफर के लिए हाँ कर सकते हैं। जब से फैंस ने सुनील शेट्टी के इस कमबैक के बारे में सुना है तब से फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं। कारण यह है कि अपने इतने लंबे करियर में सुनील शेट्टी पहली बार किसी पीरियड फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल अश्वथामा के किरदार में दिखाई देंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सुनील शेट्टी को किस किरदार के साथ पर्दे पर वापस लाया जा सकता है। कुछ ही सालों पहले सुनील शेट्टी ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हर किसी को हैरान कर दिया था। फिटनेस के दीवाने सुनील शेट्टी ने अपना एक फोटो शूट करवाया था जिसमें वो बेहद सेक्सी नजर आ रहे थे और फैंस उनकी नई तस्वीरें देख उनके कायल हो गए थे। 90 के दशक में सुनील शेट्टी ने काफी समय तक एक्शन फिल्मों पर राज किया। इसके बाद वो धड़कन के साथ एकदम ही अलग लीग में आकर खड़े हो गए। इतना ही नहीं 2000 के बाद सुनील शेट्टी ने कॉमेडी भी ट्राई की और वहां भी झंडा गाड़ा। दर्शक काफी समय से उनके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। सुनील शेट्टी ने 1992 में अपना फिल्म डेब्यू किया था बलवान नाम की। ये फिल्म कोई भी हीरोइन साइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि सुनील शेट्टी न्यू कमर थे। बाद में दिव्या भारती ने उनके साथ काम किया। 90 के दशक में सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी और इसके बाद वो तुरंत ही बॉलीवुड के एक्शन स्टार बनकर उभरे। सुनील शेट्टी रातों रात हिंदी सिनेमा के एक्शन स्टार बन गए थे। इसके बाद उन्हें लगातार ऐसी ही फिल्मों के ऑफर मिले जिसमें उन्हें भरपूर एक्शन करने का मौका दिया जाता था। धीरे धीरे सुनील शेट्टी को बॉलीवुड में करीबी लोग अन्ना कहकर बुलाने लगे। सलमान खान, जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार के साथ उनकी दोस्ती काफी गहरी है। सुनील शेट्टी किक बॉक्सिंग के चैंपियन थे। उनके पास किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट है और ये बात उन्होंने गोपी किशन, रक्षक, सपूत जैसी फिल्मों में साबित भी की। अपनी फिटनेस के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने कहा, फिटनेस के प्रति मेरे पैशन में मुझे वह शरीर पाने में मदद किया है जो आज मेरे पास है। मैं मानता हूँ कि मेरी उम्र में ऐसा शरीर बना पाना बेहद मुश्किल है। 60 की उम्र में भी वो बेहद शानदार बॉडी रखते हैं। फिटनेस ही उनका मूल मंत्र है। उन्हें देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि वो इस उम्र में भी इतने फिट हैं। सुनील शेट्टी ने 2018 में विलन के तौर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडिस के साथ द जेंटलमैन नाम की फिल्म के साथ वापसी की थी। फिल्म भले ही ना चली हो लेकिन सुनील शेट्टी को पर्दे पर देख फैंस बेहद खुश थे। सुनील शेट्टी भले ही बॉलीवुड से दूर रहे हों लेकिन इस बीच उन्होंने दक्षिण की कई फिल्मों में अपना दमखम दिखाया है। किच्चा सुदीप के साथ पहलवान में तो उनके काम ने दर्शकों को एक बार फिर से उनका दीवाना बना दिया था। सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार का साथ लंबा रहा है। दोनों ने एक साथ वक्त मोहरा जैसी फिल्में की हैं। इसके बाद उन्होंने हेरा फेरी में अपना कमाल दिखाया। अब फैंस उन्हें वापस हेरा फेरी के तीसरे पार्ट में एक साथ देखना चाहते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।